हेलो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कुक लंच और डिनर। उसके बीच के गैप में हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हम हेल्दी नमकीन बनाएंगे। सबसे पहले हम मखाना को ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हो मखाना में हाई एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है। साथ में फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारा एनर्जी लेवल ग्रो करता है। 5 से 7 मिनट के बाद हमारे मखाना इजीली क्रैक हो जा रहे हैं, मतलब कि वो रोस्ट हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डाइट पोहे है। फ्रेंड्स, ये कर्ड पोहे है, जो इजीली ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं। इसका अल्टरनेट ऑप्शन हमारी रूटीन लाइफ में यूज होने वाले फ्लैट पोहे हैं, जो आप इस तरीके से रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कर्ड पोहे बहुत ही लाइट वेट होते हैं और टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। उसके बाद हम मल्टीग्रेन मुरमुरे ऐड करेंगे, जो रागी, जोवर, ओट्स और बाजरा में से बने हुए होते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं और वेट लॉस के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसकी जगह आप हमारे नॉर्मल मुरमुरे भी ले सकते हो। उसके बाद हम बादाम लेंगे, जो हमारे ब्रेन पावर को शार्प बनाती है, साथ में बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है और हमें हेल्दी हार्ट देती है। हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पम्पकिन शीट्स है, जो फुल ऑफ प्रोटीन है। फ्रेंड्स, आप जानते हो 100 ग्राम पम्पकिन शीट्स में से हमको 30 ग्राम जितना प्रोटीन मिलता है। इस तरीके से हम पम्पकिन शीट्स को रोस्ट करेंगे जब तक पॉपिंग की साउंड ना आए तब तक। फ्रेंड्स, आलमंड को रोस्ट होने में थोड़ी देर लगती है, जबकि पम्पकिन शीट्स इजीली रोस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ओट्स लेंगे। फ्रेंड्स, ओट्स में सॉल्युएबल फाइबर है और मैग्नीशियम का तो बेस्ट सोर्स है, जो हमारी भूख को सेटिस्फाई करता है। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसीलिए तो हम उसे परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसके बाद हम उसमें चना दाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये वो चना दाल है जो हम नॉर्मली साउथ इंडियन चटनी में यूज़ करते हैं, जिसमें लो कैलोरीज होती है, जो हमें वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, इस दाल में थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला और स्लाइट ऑयल ऐड करके बहुत ही बढ़िया दाल बन जाती है। पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, उसमें हम करी पत्ते ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, करी पत्ते हमारे नमकीन को बहुत ही बढ़िया अरोमा देता है। साथ में हम कोकोनट स्लाइस ऐड करेंगे और रेजिन्स ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, रेजिन शुगर का बेस्ट अल्टरनेट है, जो हमारे नमकीन को थोड़ा सा